भाई ये कौन आ गया भाई इधर। हेलो। तो दोस्तों सभी लोगों का वेलकम बैक हो गया अंशु ब्रिश पे, और आज हम लोग करने वाले बहुत ही खतरनाक काम, क्योंकि देखो हम कहाँ हैं दोस्तों, हमें फ्लीट एम्पायर में। ये सारे नाचो हुई हुई इतना अजीब क्यों मैं। गाइस यस, आज हम लोगों को करना बहुत खतरनाक काम, बट खतरनाक काम से पहले गाइस तुम लोगों के लिए मेरे पास एक गोल है, तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबाओ। इस वाली वीडियो पे हम लोगों करने 1,00,000 लाइक कंप्लीट दोस्तों, भरोसा इसलिए दे रहा हूँ गोल, ठीक है। तो तुम लोगों ने लाइक नहीं मारा तो लाइक मार दो, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। हम लोग लिटरली ब्रो हम लोग एकदम ऐसे छूने वाले हो चुके हैं 9,00,000 को, तो जल्दी से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और अंशु बिस्ट को 900K तक ले जाएं, धन्यवाद। तो गाइस आज हम लोगों को बनाना है यार एक एक्सपी फार्म, क्यों, क्योंकि हम लोगों को चाहिए बहुत सारा एक्सपी यार। अगर तुम लोगों को पता होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा का पूरा एक आर्मर बना लिया था नेदरराइट का, पर अगर तुम लोग इसको देखोगे ना इसमें खाली प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3, रेस्पिरेशन 3, फिर प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग, मतलब सब में सिर्फ प्रॉट है, प्रॉट से ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें लेंगे कितनी सारी चीज लेंगे, लेकिन बूट्स में हम लोगों को अभी डेप्थ स्ट्राइडर चाहिए, फेदर फॉलिंग चाहिए, हम लोगों को सोल स्पीड चाहिए, अभी पैंट्स में हमको क्या कहते हैं वो चाहिए मेंडिंग चाहिए, हम लोगों को थॉर्न्स चाहिए। इन सबको लगाने में कम से कम नहीं तो मेरे को 100-150 एक्सपीरियंस लगेगा, और मेरे पास एक एक्सपी फार्म पड़ा हुआ है, बट अगर मैं उस एक्सपी फार्म में गया तो मेरे को 100-150 एक्सपी करने में कम से कम नहीं भी तो 2-3 घंटे लग जाएंगे ब्रो, वो बहुत स्लो एक्सपी फार्म है यार। तो मेरे को दिमाग में आया कि भाई ऐसा फास्ट एक्सपी फार्म तो यार एंडरमैन एक्सपी फार्म ही है, वो हम अभी बना नहीं सकते क्योंकि वहां गए तो फिर ड्रैगन तो पटापट मारेगा, तो इसलिए हम लोग वहां जा नहीं सकते। तो मेरा दिमाग चला है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कमेंट सेक्शन पढ़ा जाए, मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा भाई, लिटरली इतना बढ़िया आइडिया मिला ना मेरे को। मैंने देखा वहां पे लिखा हुआ था पोटैटो एक्सपी फार्म बनाओ ब्रो, और मैंने बोला पोटैटो एक्सपी फार्म। फिर उसके बाद मेरा दिमाग चला और आज हम लोग बनाने वाले पोटैटो एक्सपी फार्म, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारा सामान चाहिए होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो सारा सामान जमा करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस साइड को बनाते हैं, सिंस हमारा आयरन फार्म भी इसी साइड को, वो दिख नहीं रहा है अभी क्योंकि मेरा थोड़ा क्या कहते हैं वो कम है, रेंडर डिस्टेंस कम है, लेकिन वहां पर हमारा आयरन फार्म भी है। तो हम लोग सोच रहे कि उसी साइड को पोटैटो एक्सपी फार्म बनाएंगे, एकदम बड़ा सा, मतलब एक एक्सपी फार्म की जगह हम लोग 2-3 बनाएंगे ताकि हमें और जल्दी जल्दी एक्सपी मिले। तो हम लोग वहां पर अपना पोटैटो एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले यहां पर सो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग सारा का सारा सामान जमा करने लगते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, हम लोग जमा कर लेते हैं। एक तो यार मेरी बिमली आना यार इतना हमला मचाती है ना नीचे, मैं क्या ही बताऊं यार, ठीक है। तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए होगा वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले चाहिए कुछ सॉलिड ब्लॉक्स, ठीक है। तो सॉलिड ब्लॉक्स के नाम पे मैं ये रख लेते हैं, सॉलिड ब्लॉक के नाम पे मैं सोच रहा हूं कि हम लोग ब्लैक स्टोन यूज करेंगे। तो हम लोग कुछ सॉलिड ब्लॉक रख लेते हैं अपने, हम लोग को ऐसे 4-5 बनाने ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपी एक ही बार में ले सके। ये एक बार में 8 XP के आसपास दे देगा आराम से शायद से, और अगर 8 देता है तो 4 32 दे सकते हैं, तो वो चीज मस्त है। हम लोग क्या करने वाले, हम लोग रखने वाले ब्लैक स्टोन अपने पास। उसके बाद हमें थोड़ा सा ग्लास चाहिए होगा, आई डोंट थिंक मेरे पास ग्लास है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास अगर थोड़ी सी और सैंड मिल जाए बस बढ़िया, ठीक है। जब तक हमारा काम हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर ऐसे करके ना ग्लास बनाने रख देता हूँ हर जगह पे 2-2 करके, ताकि जब तक हम लोग बाकी का सामान ढूंढे तब तक अपना सारा का सारा स्मेल्टिंग भी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, देखो अब हम लोगों को लेके आना है थोड़ा बहुत और सामान। देखो ये हो गया हम लोगों के पास, हम लोगों को एक चाहिए होगा स्मोकर ताकि वो आलू पक सके, ठीक है, और ये रख लेते हैं। वाह मेरे पास खाने को पड़ा है ब्रो, हेलो ये भी रखो यार, ठीक है। तो हम लोग ये कर लेते हैं, हम लोग अपने पास ये रख लेते हैं। हम लोगों को चाहिए होगा एक स्मोकर, हम लोगों को चाहिए कुछ ब्लॉक्स, और हमें चाहिए होगा रेड स्टोन। ओके नाइस, रेड स्टोन ये हो गया, थोड़ा बहुत हम लोगों को रेड स्टोन की टॉर्च चाहिए वो हम लोग वहीं पर बना लेंगे। अब हमें चाहिए होगा एक कंपैरेटर, ठीक है। कंपैरेटर के लिए जो हमें चाहिए वो काश मेरे पास हो, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं क्वार्ट्ज लेके आया था या नहीं, ठीक है। शायद से मैं क्वार्ट्ज नहीं लाया हूँ, सिर्फ ये 2 क्वार्ट्ज के और हैं जो कि सैड लाइफ, आई डोंट थिंक कि हाँ यार, या मेरे पास ये पड़ा हुआ है ना, रुको एक काम करते हैं। मेरे को गाइस बहुत सारा काम है, मजाक नहीं करो, ड्रैगन को मारने से पहले ना बहुत सारा काम है, बट यार उसको मारने की तैयारियाँ भी करनी है क्योंकि वर्ल्ड को भी तो बचाना है ना ब्रो, सारा भार मेरे कंधों पर आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कंपैरेटर की वो क्या होती है, रेसिपी क्या होती है, क्योंकि मैं कंपैरेटर ज़्यादा बनाता नहीं। नाइस, एक ये 3 स्टोन और चारों तरफ 3 वो टॉर्चेस, राइट। अभी के लिए मैं शायद से सिर्फ और सिर्फ 2 कंपैरेटर बना सकता हूँ आई गेस, रुको जरा 1 2 3, हाँ यार मैं अभी के लिए सिर्फ 2 ही कंपैरेटर बना पाऊंगा। तो मेरे पास 2 कंपैरेटर हो गए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा और क्वार्ट्ज लेके आना पड़ेगा। तो मेरे को 2 सेकंड दो, फटाफट से नेदर जाता हूँ, नेदर से थोड़ा क्वार्ट्ज निकाल के लेके आता हूँ, 1 मिनट यहाँ तो नहीं पड़ाना, तो मेरे को 2 मिनट दो, ठीक है, मैं नेदर से क्वार्ट्ज निकाल के लेके आता हूँ। ओके तो गाइस अगला स्टेप जो है वो हमें करना है स्मोकर बनाने, ठीक है। तो स्मोकर बनाने के लिए सीधी सी बात है, हम लोगों को पहले चाहिए होंगे थोड़े फर्नेस। तो हम लोग एक काम करते हैं 5 फर्नेस बनाते हैं सबसे पहले, देयर वी गो, 1 2 3 4 5, 5 फर्नेस बना लिए, इनका हम लोग स्मोकर बनाएंगे। स्मोकर के लिए हमको चाहिए होगा थोड़े बहुत लॉग्स, आई डोंट थिंक मेरे पास लॉग्स हैं, तो मेरे को बाहर जाके लॉग्स काट के लेके आने पड़ेंगे। 4 लॉग पर बंदा, तो इसका मतलब हम लोगों को 20 लॉग्स लेके आनेंगे। तो मेरे को 2 सेकंड दो बस, मैं फटाफट से थोड़े स्पूस के
स्पूस के ट्री। ओके तो गाइस हम लोग फटाफट से दोबारा से यार स्मोकर बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो ये वे ये देर भी को, ठीक है, पांच हमारे पास स्मोकर हो चुके। देखो हम लोग क्या क्या चाहिए होगा, पांच स्मोकर चाहिए होंगे, थोड़ा बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए होंगे, हम लोगों को रेड स्टोन टॉर्च चाहिए होगा, हम लोगों को कंपैरेटर चाहिए होंगे, थोड़ा सा रेड स्टोन चाहिए होगा और चाहिए होगा कांच, देर भी को कांच, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। बट सबसे पहले गाइस काम शुरू होने से पहले, देखो कभी भी काम शुरू करने से पहले गाइस तुम लोग को पता नहीं क्या करना चाहिए। भाई भाई दिन की शुरुआत मत करो यार, ऐसा मत करो भाई, मेरे पेड़ मत उखाड़ो प्लीज। दिन की शुरुआत, अगर तुम लोग नए हो गाइस फ्लीट एम्पायर में, तो दिन की शुरुआत होती है बिल्कुल सही दोस्तों, ढेर सारी ब्रेड और गाय के गाढ़े गाढ़े दूध से। तो चलो फटाफट से दूध दूध पी लेते हैं, देयर वी गो गाइस, जल्दी जल्दी दूध पी लेता हूँ, उसके बाद मुझे एक्सपी फार्म भी तो बनाना है। तो दोस्तों फटाफट से ना पहले यहाँ पर से ना सारी की सारी वीट भी ले लेते हैं, क्योंकि ना हम लोगों को भी एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। मतलब मैं सिर्फ वीट नहीं ले रहा हूँ एक तरह से, मेरे को यहाँ पर ना जितना भी सीड्स है, मैं एक्चुअली सीड्स चाहिए होंगे। ओके तो गाइस हम लोगों ने सारा सारा काम कर दिया, बट एक्चुअल में ना मैंने ये वीट क्यों लिया था पता, मैं बताता हूँ। देखो हम लोगों ने जितने ज्यादा सीड्स चाहिए होंगे उतने ज्यादा कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे काफी बोन मिल पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी बोन मिल आगे काम आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों, ठीक है। मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बोन मिल आगे क्यों काम आएगा? हम लोग अपनी गौशाला में सारी गाय को खिला देते हैं सबसे पहले। चलो चलो फटाफट आ जाओ सारी गाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारी की सारी गाय, पीछे पीछे वाली गाय, कोई भी गाय बच तो नहीं रही ना, कोई भी गाय छूट तो नहीं रही ना। हाँ बढ़िया, वो वाली गाय छूट रही थी, ये देखो, ठीक है। तो हम लोगों ने खिला दिया सारी की सारी गैया को, अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। बचा हुआ भी अपने लिए फटाफट से बना देते हैं हम लोग ब्रेड, ठीक है। अब गाइस रात हो रही है, तो सबसे पहले जाते हैं सोने के लिए और फिर कल सुबह को अपना काम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हम लोगों को वहां पर बनाना है एक गजब का पोटैटो एक्सपी फार्म। तो गाइस हो चुकी है अगली मॉर्निंग और चलो फटाफट से अपना काम धंधे पे लगते हैं बॉयज। लेकिन तुम्हें पता है काम धंधा कैसे स्टार्ट होता है? वेट अ मिनट, वो गाइस हम लोगों को भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूध जरूर पी सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हो रही है ना यार, इट्स अ मॉर्निंग गाइस, अगर तुम एक ग्लास दूध नहीं पियो तो कैसे चलेगा यार। ओके ठीक है, सॉरी यार, लेकिन हम लोग जाते हैं फटाफट से काम धंधे पे लगते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना अभी यहाँ पर कम से कम नहीं भी तो पांच बनाने, पांच। ओके तो दोस्तों चलो एक काम करते हैं फटाफट ना, पहले इसको साफ करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बनाए जाए अपने सारे के सारे, जितना हम लोग एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बनाए जाए। अब देखो अगर मैं एक बनाऊंगा ना, तो वो एक तरह से यूजलेस ही जाए, मतलब यूजलेस नहीं होगा, वो देगा मेरे को एक्सपी, बट इट विल नॉट गिव मी एक्सपी लाइक ऐसा इनसेन। इससे बढ़िया तो फिर मैं एक ऐसी नॉर्मली बना के उसमें बस स्मेल्टिंग कर देता हूँ ना, मेरे को इतना बढ़िया मतलब ऐसा बनाने की एक्सपी फार्म बनाने की जरूरत क्या है। अगर हम लोग चार पांच बनाते हैं तो वो हमें ढेर सारी एक्सपी एक साथ देगा, और एक साथ एक्सपी मिलेगा तो यार फिर वो ज्यादा ही होगा। अगर मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ, मेरे को एक 5x5 एरिया चाहिए होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ से इतने से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5 2 3 4 5 और ऐसे करके इसको हम जोड़ देंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, जस्ट कि ऐसा मेरे को पता रहे कि हाँ यहाँ पर मैंने कुछ बनाया, मैं एक काम करता हूँ, जो हम लोग ब्लैक स्टोन लेकर आए थे ना वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी ये हमारा एरिया हो गया जिसके अंदर हमें बनाना है, ठीक है। एक्चुअली एक मिनट, ये गलत हो गया, 5x5 अंदर होना चाहिए ना। ओके तो गाइस ये थोड़ा सा गलत बन गया था मेरे से, बट अभी मैंने इसको सही कर दिया। अब ऐसे ही करके मेरे को इधर को ना और भी ढेर सारे बनाने हैं, और मेरे ख्याल से ना ये कम पड़ जाएंगे, मतलब मेरे को इधर को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर से दूसरा बनाना स्टार्ट करूँगा, तो 1 2 3 4 अरे यार। ओके तो गाइस ये मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, बस एक लास्ट यहाँ पर ये मार देता हूँ, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। तो देखो दोस्तों ये मैंने अभी के लिए डिज़ाइन जो है, मतलब कहने का मतलब जहाँ पर हमारे वो आएंगे सारे के सारे हॉपर, वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये ऐसे हो गया, हम लोग इस साइड से आएंगे और यहाँ से सारा का सारा जमा कर लेंगे, या फिर एक काम करते हैं हम लोग इस साइड से आएंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग इस साइड से आएंगे सारा का सारा जमा कर लेंगे, और एक मिनट ये भी मैं सही कर दूँ, जरा थोड़ा सा खड़े होने लायक तो हो जाए ये जगह, देयर वी गो, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो क्या किया, हम यहाँ से आएंगे और सारा का सारा सामान लेंगे और चलते बनेंगे वाला सीन है, ठीक है। ओके तो गाइस डे टू स्टार्ट हो चुका है, और मैं अपने लिए सारा का सारा जितना भी सामान चाहिए था वो सारा का सारा लेके आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो ये हॉपर, ये मतलब चेस्ट है, इसमें हम लोग हॉपर मारेंगे, और मैं काफी सारे चेस्ट बना के लेगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग होल्ड करेंगे, थोड़ा बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को पांच बनाने यार, तो हम लोग को उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। अब देखो ये हम लोगों ने लगा दिया, अब इसके ऊपर स्मोकर जाएगा, ठीक है। स्मोकर के अंदर हम लोग फिर से लगाएंगे एक हॉपर, और इसके टॉप से भी एक हॉपर लगाएंगे, मतलब हम लोग एक बिल्ड में तीन हॉपर लगेंगे, 5 3 15 हॉपर लगेंगे। मैं थोड़ा सा बना के लेके आया, अभी समझाता हूं क्यों, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ना दोनों के ऊपर एक एक चेस्ट मारेंगे, रुको ये दोनों के ऊपर एक एक चेस्ट मार देंगे, देयर वी गो, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोगों को चेस्ट नहीं चाहिए होंगे, ये हो गया आगे का कंप्लीट, ठीक है। इतना ही है बस, हम लोगों को ये करना हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ पर एक लीवर लगाना हो सकता है, हम लोगों को अगर हॉपर को बंद करना है कि हॉपर वहां पर जाने से रुके, उसके बाद हम सामान उठाएंगे तो हमें सारी एक्सपी मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते पीछे की साइड को, पीछे की साइड को एक छोड़ के सेंटर वाले ब्लॉक पे ही
मैं लेके आया हुआ हूँ थोड़े बहुत नेदर रैक, हम लोग ऐसे तीन का बनाएंगे, फिर सेंटर वाले को तोड़ देंगे, ठीक है। सेंटर वाले को तोड़ के हम लोग बीच वाले से एक ग्लास निकालेंगे, और अब देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर रखनी है एक रेडस्टोन डस्ट, और यहाँ पर लगाना है जो हम कंपैरेटर लेके आए हुए थे, यहाँ से बाहर को निकलता हुआ कंपैरेटर, इस हॉपर से बाहर को निकलता हुआ कंपैरेटर, ठीक है। और लास्ट एक चीज़ ये ख़त्म, यही है, इतना सही है पोटैटो, क्या कहते हैं, एक्सपी फार्म। भाई मैं सोच रहा था कि कितना खतरनाक होगा, कितना हार्ड होगा भाई, पता नहीं क्या बनाना पड़ेगा ये सब, लेकिन इतना ईजी होता है यार, सीरियसली इतना ईजी होता है भाई, मज़ा आ गया भाई देख के, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे को दो मिनट दो, मैं सबके सब में भर के लेके आता हूँ फटाफट से, जल्दी से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एक काम करते हैं, मैं सारा का सारा सामान अपने हाथ पे इन हैंड रख लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, इसको हम लोग फर्स्ट पे रखते हैं, ठीक है। चलो मेरे को दो मिनट दो गाइस, मैं फटाफट से पाँचों के पाँचों बना देता हूँ। ओके तो गाइज ये हमारा लास्ट बिल्ड, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से हो गया अपना काम, ये हम लोग लास्ट वाला बना रहे हैं। आई होप दिस वर्क्स यार, ऐसा ना हो कि इन द एंड ऑफ द डे ये काम ही ना करे, बस खत्म, ठीक है। ये लिटरली बहुत ज़्यादा इजी था, हम लोगों को बस अब थोड़े से लीवर बना के इनके बगल में लीवर रख देते हैं ताकि हम लोग इनको ऑन ऑफ करके फटफट इसमें सामान निकाल पाए, ठीक है। ये देर वी गो, ये तोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो हमारे पूरे के पूरे तैयार हो गए गाइस, ये हमारे एक्सपी फार्म जो है, मतलब कहने का मतलब है जो हमारा पोटैटो एक्सपी फार्म है वो पूरा तैयार हो चुका है गाइस, पांच के पांच एकदम तैयार हमको एक्सपी देने के लिए। और तभी मुझे याद आता है कि हे दोस्तों, पोटैटो कहाँ है भाई, मैं लिटरली सुअर हूँ क्या भाई यार, मेरे को लिटरली मैंने पूरा काम कर दिया, लास्ट में याद आया जिस चीज़ का हम फार्म बना रहे वो चीज़ तो है ही नहीं। तो गाइस इसमें हम लोग कुछ भी स्मेल्ट कर सकते हैं, बट हम लोगों को अभी के लिए पोटैटो ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि हम पोटैटो एक्सपी फार्म बना रहे, तो फिर हम लोग अगर कुछ और स्मेल्ट करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं थोड़ी बहुत और रिसर्च करूँगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई कैक्टस से ज़्यादा मिलता है, कहने का मतलब कैक्टस से ज़्यादा मिलता है, बट वही होता है बस कैक्टस थोड़ा स्लो स्मेल्ट होगा क्योंकि तुम लोग नॉर्मल फर्नेस में स्मेल्ट करोगे, तो उसकी वजह से। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर बनाएंगे एक फार्म अपने लिए, ठीक है, पूरा का पूरा पोटैटो फार्म। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास पोटैटो है नहीं, पर मुझे थोड़े बहुत विलेजेस का यहाँ पर पता है, जैसे कि तुम्हें पता होगा यहाँ से उधर को जाके एक हमारा क्या कहते हैं डेजर्ट विलेज पड़ता है, तो हम लोग विलेजेस में जाते हैं एक दो, अगर हम लोगों को वहाँ पर एक भी पोटैटो मिल गया, बस एक पोटैटो चाहिए हमें लिटरली ब्रो, अगर हमें एक भी पोटैटो मिल जाता तो हम लोग उससे कितने पोटैटो बना देंगे भाई, दो मिनट का काम है हमारे। तो मेरे को दो मिनट दो, फटाफट से चलते हैं निकलते हैं, ठीक है, पहले सोते हैं यार सबसे पहले तो, और उसके बाद कल को सुबह वॉयज पर निकलते हैं पोटैटो ढूंढने के लिए। कभी सोचा भी नहीं था यार कि ऐसा आलू ढूंढना पड़ेगा भाई, ऐसे बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा है डायमंड ढूंढने जा रहे हैं भाई, आलू ढूंढने जा रहे हैं यार। कैसे ना कैसे करके हम लोगों को यार यहाँ पर मिल चुके हैं चार पोटैटो, और ये हमें जल्दी से जल्दी फार्म करने पड़ेंगे, अगर हम लोगों ने नहीं करे तो ये खराब जाएंगे। और ये सब लोग मेरे पीछे क्यों दौड़ यार, यहाँ से भी आ गए वहाँ से भी आ गए, अरे भाई क्रीपर अलग से। दोस्तों आज की रात फटाफट से सोते हैं, पहले तो पता क्या सोते नहीं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा यहाँ से हटा के देर भी हो, ठीक है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, कोई क्रीपर मेरा पीछा तो नहीं कर रहा ना, हाँ तो इसको हम लोगों ने कर दिया है गाइस। अब फटाफट से एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से जाते हैं और सोते हैं और कल सुबह को यहाँ पर वापस आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गौ माता दो मिनट यार, तुम अरे भाई कितनी गाय हो गई यहाँ पर भाई, ये बड़ा करना पड़ेगा मेरे को थोड़े टाइम बाद यार स्टेबल पूरा। हम लोग अपने लिए सबसे पहले तो एक डायमंड की जाके हो बनाते हैं और उसको एन्चांट भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, राइट। तो ये करते हैं, एक शॉवल भी बना लेंगे यार भाई, लगे हाथ कर दो भाई सारा काम, मैं तो बोलता ही हूँ भाई कि देखो ऐसा मिले ना तो फटफट काम कर देने का, पता है कि बात के लिए छोड़ो ना फिर खराब ही होते हैं, पता है काम। ये कर दिया हम लोगों ने, देखो पहले एक हो बना देते हैं और उसके बाद एक शवल बना देते हैं, देयर वी गो। इन दोनों को हम लोग जाते हैं एन्चांटमेंट रूम में हमारे, यही हमारी एन्चांटमेंट ब्रांच है, समझ लो ये ब्रांच हमारी पूरी एन्चांटमेंट देखती है। एफिशिएंसी 4, लेट्स गो। अरे भाई क्या शवल आया है, गॉड शवल भाई, प्लीज यही दे दे इसमें, प्लीज सिल्क टच दे दिया बहन ने इसमें, अगर मेरे को फॉर्चून मिल जाता है इसमें सिल्क टच मिल जाता तो ऐसा नेक्स्ट लेवल मजा आ जाता ना, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है यार भाई, इट्स माइनक्राफ्ट यार, वो तुमको जो चाहिए वो कभी नहीं देगा, ठीक है, मतलब मजे को छोड़ के, ठीक है, मजे चाहिए। ओके तो दोस्तों देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पर इतने दो एरिया को छोड़ के इसको पूरे को भाई वो बना देंगे, क्या कहते हैं पोटैटो फार्म बना देंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो ब्रोम, बट तुम्हारे पास तो सिर्फ चार पोमटेम तुम हिम, लेकिन मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ ना, देखो हम लोग क्या करने वाले, देखो ये एक दो तीन चार ऐसे करके खोदेंगे, और वही है जैसे कि हम लोगों को देखो बीच बीच में होल्स करने पड़ेंगे वरना ये ऐसे हो जाएगा। तो मेरे को दो मिनट दो, मैं पहले पूरा का पूरा सही करता हूँ और उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ दो मिनट के अंदर, बस दो मिनट।
तो दोस्तों देखो मैंने इसको ना पूरा सपाट कर दिया एकदम, बाद में हम लोग इसमें बाउंड्री लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसको तो 2 मिनट का काम है, वो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब हम लोगों को इसमें वाटरिंग वाला काम करना है, देखो 1, 2, 3, 4 ठीक है, 4 छोड़ के 1 पे हम लोग ऐसे मारेंगे, उसमें हम लोग पानी डालेंगे ताकि हम लोग इसके चारों तरफ, देख लो देखो अब मैं अगर ऐसे भी खोद दूं ना ये देखो ठीक है, मेरे ख्याल से इतना दूर तो नहीं देगा, हाँ दे सकता है वैसे, हाँ दे सकता है यार। तो हम लोगों को बस यही करना है, देखो हमारे पास अनब्रेकिंग है ना इसमें भाई, नहीं है भाई, भाई जिसमें अनब्रेकिंग चाहिए थी उसी में नहीं दी बस इसने, एक वाटर पडल इतने में हम लोगों को पानी देगा ही देगा ठीक है। बस इस साइड को क्यों नहीं दे रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज द रीजन व्हाई आर यू नॉट गिविंग देम वाटर, हाँ हाँ ओके। तो देखो दोस्तों इतने में मेरे ख्याल से देखो एक वाटर पडल देता ही देता है पानी, तो हम लोगों के पास इतना एरिया हो गया है ठीक है। हम लोगों को ऐसे ही करके अलग अलग जगह पे वाटर पडल रखने हैं सेम, और चार चार के डिस्टेंस में हम लोगों को करना है। मेरे को 2 मिनट दो, मैं पूरा का पूरा जितना है ना एरिया इसको सही करता हूँ, और उसके बाद तुम लोगों से मिलता 2 मिनट के अंदर। ओके तो दोस्तों देखो ये एंड वाले का थोड़ा सा खराब हो रहा है, क्योंकि यार वहां से और जगह नहीं है, और मैं इतना ही बनाना चाहता हूँ दूर दूरी में, ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो फायदेमंद नहीं रहेगा इतना, मैं मतलब फार्म भी नहीं करूंगा ढंग से, तो उसकी वजह से। तो देखो अभी के लिए कंप्लीट हो गया ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, इसमें 1, 2, 3, 4 आलू डाल दिए, अब अपना बोन मील निकालते हैं, हम लोग इस आलू को फुल ग्रोथ देंगे। और यार अभी के लिए ना मेरे को अपने शवल से तोड़ना पड़ेगा ये आलू, क्योंकि शवल से ना देख रहो ये देखो हम लोगों को कितने मिले, हम लोगों ने सिर्फ 3 आलू तोड़े ना, हम लोगों को 17 पोटैटो मिले, लेकिन तो सोचो 6 पोटैटो एक से मिले। अब मैं वही चीज़ अपनी हो से करता हूँ जिसमें फॉर्चून या सिल्क टच है ठीक है। चलो सिल्क टच भी छोड़ो मैं उसको, चलो ठीक है तुम लोगों को लगता है हो से ज़्यादा मिलता राइट। तो ये देखो हम लोगों को 17 के बाद कितने मिले, 17 के बाद हम लोगों को 5 मिले, एक मिनट इट्स ऑलमोस्ट द सेम राइट, 1.17.1 में काफ़ी कुछ चेंज हो गया गाइस ठीक है। तो हम लोगों को यही करना है, देखो हम लोगों को क्या करना है एक बार ही ऐसे 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 करके ये करते हैं ठीक है। देखो देखो एक और बार एक और ट्राई देते हैं ठीक है, एक ट्राई लास्ट पक्का लास्ट पक्का ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग 4 पोटैटो उगा रहे हैं ठीक है, 4 पोटैटो उगा रहे हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4 ठीक है। तो 4 ये हैं 4 ये ठीक है, कॉम्पिटिशन हो जाए कि क्या हम लोगों को फॉर्चून से ज़्यादा मिलते हैं या नहीं ठीक है। 1, 2, 3 मतलब इसके ऊपर मैंने मार दिया, रुको मेरे पास और पड़ा हो, ये बोन मील पूरा मार देते हैं ठीक है। तो मैं सारे के सारे उगा रहा हूँ, देयर वी गो। अब मैं इनको तोड़ूंगा शवल से जिसमें मेरी फॉर्चून 3 लगा हुआ है राइट, फॉर्चून 3 देयर वी गो ठीक है। हम लोगों को कितना मिला मुझे पता ही नहीं है, 39 पहले से पड़े हुए जेब में यार, मैं गधा हूँ यार, देयर वी गो ठीक है। ये हमने सारे के सारे उगा दिए, अब इन 4 की बारी है देखो, ये देयर वी गो ठीक है। तो ये 4 है, इन 4 को मैं तोड़ूंगा डायमंड शवल से जिसमें मेरी फॉर्चून लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4 ठीक है। हम लोगों के पास कितना हो गया गाइस, हम लोगों के पास हो गया 20, हम लोग को लिटरली 1 में से 5 मिला है ओके। और अब हम लोग नॉर्मली तोड़ते हैं ठीक है, हम लोग को 20 मिले थे, 35 देखो हम लोग को 15 मिले और 1 में 20 मिला, हमें डेढ़ ज़्यादा मिला थोड़ा भाई, 1 में हम लोग को 5 मिला था। तो ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है कि हम लोग अगर उसको उससे तोड़ते तो ठीक है। बाकी फटाफट से जितना भी अपने पास आलू अभी के लिए ना इसको लगा देते हैं ताकि हम लोग सोने जा सके भाई। अभी यहाँ पर ना क्रीपर रीपर आके फट गया तो मैं रो दूंगा भाई, अभी मेरे पास लाइट का सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक्चुअली ये काम करते हैं, मैं सोने जा रहा हूँ बट मेरे को 2 मिनट दो, मैं पूरा का पूरा वहां तक का बना देता हूँ इस फार्म को, समझ लो दूर तक का, ताकि हम लोग इसमें जल्दी जल्दी सामान निकाल के यहाँ से डाल सके ठीक है। तो मेरे को 2 मिनट, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैंने पूरा का पूरा कर दिया है, पता सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या था, मेरे को लग रहा था कि यार बड़ा इजीली हो जाएगा कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पता सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या था कि मैं गधा हूँ, कि मैं लिटरली पता क्या कर रहा था, रुको जरा ये देखो फिर से एक और गलती करी मैंने, यहाँ पर भी पानी, मैं क्या कर रहा था पता है, मैंने पहले हो चला दी पूरे में बिना देखे अंधों की तरह भाई, मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं सीधे हो मार रहा हूँ बिना पानी डाले भाई, दौड़ रहा हूँ इधर उधर, ये ओके ये करके ऐसे करके दौड़ रहा हूँ, लास्ट में याद है अरे या अरे भाई वाह भाई, माइनक्राफ्ट गॉड्स भी हमारे साथ हैं, और आखिरकार उनने भी बारिश कर दिया, उनने बोला सॉरी ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अरे ब्रेड क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब हम लोग बचा कुछ अभी यहाँ पर सारा का सारा लगा देंगे, और आई होप थोड़ा बहुत तो उग गया हो, थोड़ा बहुत तो उग गया वैसे ठीक है। तो जल्दी से ये करते हैं पूरा का पूरा, बस थंडर स्टॉर्म ना आ जाए यार, अरे यहाँ पर पानी नहीं है क्या, यहाँ पर पानी है ना, चलो ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा भाई सही में थंडर स्टॉर्म आ गया भाई, यार मजाक कर रहा था यार, अगर मेरी फसल खराब हुई ना, देखो इतना पोटैटो उग गया ना तो ये इतना पोटैटो तो दे देगा कि मैं सारे में लगा दूँ, वो 2 मिनट का काम होगा, बट ये फटाफट से ये उगे तो बात बने। ओके तो गाइज हो चुकी है अगली मॉर्निंग, और सच्ची बताओ तो मैंने सोचा था मैक्स टू मैक्स मुझे 30 मिनट या 20 मिनट लग जाएंगे काम करने में, बट आई थिंक मेरे को कहीं पर भी 1.5 घंटे से 2 घंटे तो लगे ही हैं इसको करने में। अगर ये यहाँ से दिख रहा होगा तो तुम्हें दिख जाएगा भाई, ये कंप्लीट हो चुका है गाइज, इतना बड़ा खेत बना दिया ना मैंने
ओ भाई बच गए भाई, फिर से मेरे को फूल नहीं उखड़वाने थे अपने, ठीक है ना। तो इतना बड़ा खेत बना दिया ना, तुम लोग देखोगे ना भाई, तुम लोग को ऐसा जाएगा वाम। भाई ये कौन आ गया भाई इधर, हेलो आइए भाई। घोड़ा नहीं मारना है, घोड़ा नहीं मारना कुछ भी हो जाए, ठीक है, घोड़ा नहीं मारना कुछ भी हो जाए। देख के नाइस नाइस नाइस, घोड़े घोड़े दूर हो जाए बेटा, घोड़े दूर हो जाए। पानी पानी पानी, नाइस। अरे भाई, अरे ये घोड़ा पानी में उड़ता है क्या भाई, उसने तुमने देखा स्पीड, देखी उसकी। अरे 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 भाई, ये तो पानी में ग्लाइड कर रहे भाई, तैर नहीं रहे वो। अरे 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 उल्टा घोड़ा, देयर वी गो गाइस, इस घोड़े पे मैं बैठूंगा अब। अरे यार मेरे पास सैडल ही नहीं है, क्या बैठूंगा इस घोड़े पे यार। वाम वाम करते हुए सीधे चलते हैं, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ हमारा खतरनाक वाला भाई, ग्रैंड ग्रेटेस्ट ओ माय गॉड गणेशा तू रहना साथ हमेशा वाले टाइप का हमारा फार्म भाई। ये लो गाइस, देयर वी गो गाइस, हैम्पी हैम्पी बर्थडे टू एवरीवन। ये हमारा हो चुका है तैयार पोटैटो फार्म। अभी हम लोगों को यार इसको टेस्ट करना था कि इसमें करेंगे, लेकिन सच्ची बताऊं तो मैंने जितना ज़्यादा यहाँ पर काम कर दिया है ना भाई, मैं थम गया हूँ ब्रो। कम से कम नहीं भी तो मेरे पास 4.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, और ये वीडियो तुम लोगों को दिखेगा 20 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो। गाइज हम लोग इसको गारंटीड अगले एपिसोड में, सबसे पहली चीज़ क्योंकि इसमें क्या होता है ना, तुम लोग लाइक इसको तोड़ोगे, इसमें डालोगे, इसके बाद जब 4-5 स्टैक हो जाएंगे ना स्मेल्ट तुम्हारे, तब जाके तुम्हें इसमें एक्सपीरियंस का पता चलता है कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं इसको पूरा का पूरा ऑफ वीडियो निकालूंगा और इनमें डाल दूंगा, और जब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे तुम लोगों से सर्वाइवल वर्ल्ड की, तो मैं इसमें से सारा उठाऊंगा और हम लोग देखेंगे कि हमें कितना एक्सपीरियंस मिलता है। वैसे तो हमारे पास 32 अभी है, पर हम लोग को बहुत सारा चाहिए होगा अगर हमें अपने पूरा का पूरा आर्मर में काम करना है, तो तुम समझ रहे हो, मेंडिंग चाहिए, अनब्रेकिंग चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए भाई, अभी और बहुत खतरनाक होने वाला है। तो यस बॉयम्स, हम लोगों का देखो पूरा पोटैटो फार्म एकदम ग्रैंड वाला तैयार हो गया। इसमें थोड़े बहुत और काम भी करूंगा मैं, लाइक बीच बीच में ना लैंटर्न लगाना वो सब करना, क्योंकि फिर ये उगेंगे नहीं, ठीक है। ये किस चीज़ की शेडो है भाई, अरे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मजा आएगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा थकाने वाली वीडियो थी मेरी अभी तक का, क्योंकि यार सोचो तुम आलूओं का उगने का वेट कर रहे हो, फिर उनको लगाने का वेट कर रहे हो, फिर तुम उतना ज़्यादा खुदाई कर रहे हो, तुम्हें भाई यार उतना सारा पानी डालना पड़ रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा ही लाइक ऐसा थका देने वाला काम था। पर आखिरकार रिजल्ट बहुत अच्छा है भाई, इतना बड़ा पोटैटो फार्म हम लोगों के पास आ गया, हमने 4 पोटैटो से इतना बड़ा फार्म बना दिया भाई, और क्या चाहिए भाई। तो अगले वाले एपिसोड में हम लोग चेक करेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी यार गाइस जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, 100K likes का इस वाली में गोल है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, इट विल मीन अ लॉट। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 900K करने याद रखना गाइस, जो भी सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाएंगे ना कट्टी हो जाएगी। बाय बाय, मिलते हैं।